गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 14, डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी अपने पिछले चैप्टर में करके आए हैं जहाँ पे हमने कमर्शियल बैंक्स का चैप्टर किया था। यहाँ पे जो टर्म है दैट इज डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स का मतलब है वो इंस्टीट्यूशंस जो लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए लोन का मतलब है प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। प्रोडक्टिव पर्पसेस कौन इंकर करता है, प्रोडक्टिव पर्पसेस कौन करता है, वो है इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस यूनिट्स, वो चाहे स्मॉल हो, चाहे लार्ज हो, चाहे मीडियम हो। इसका मतलब क्या हुआ कि डेवलपमेंट बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोन प्रोवाइड करवाते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इंडस्ट्री को, बिजनेस यूनिट्स को, ताकि जो भी प्रोडक्टिव पर्पसेस हैं वो अपने कैरी आउट कर सके और कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर सके। यहाँ पे टर्म यूज़ हो रही है बैंक्स, लेकिन स्टिल डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि डेवलपमेंट बैंक्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते, ये सिर्फ लेंड करते हैं, और वो भी किसको, इंडस्ट्री को, जो प्रोडक्टिव पर्पसेस में है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन में है। तो डेवलपमेंट बैंक्स क्या है, वो इंस्टीट्यूशंस जो प्रोवाइड करवा रहे हैं डेवलपमेंट रिलेटेड फाइनेंस और रिलेटेड असिस्टेंस, उन्हें कहा जाता है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या डेवलपमेंट बैंक्स। जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जो नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, उनके बिजनेस यूनिट्स को प्रमोट करने के लिए, कंसेप्शन से लेकर रियलाइजेशन तक। कंसेप्शन मतलब जब आइडिया आया है उस यूनिट को सेटअप करने से लेके उसे एक्चुअली प्रैक्टिकल सेटअप करने तक। और ये जो बैंक्स हैं वो टर्म लोन भी प्रोवाइड करवाते हैं, टर्म फाइनेंस भी प्रोवाइड करवाते हैं और सपोर्टिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंड्यूसिव होती हैं। तो जो डेवलपमेंट बैंक है वो एक टर्म लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मेनली मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है बिजनेस यूनिट्स की यूनिट्स को, लेकिन एट प्रेजेंट ये शॉर्ट टर्म भी प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा अदर फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी हैं जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करवाते हैं, अंडरराइटिंग की सर्विसेज, गारंटी ऑफ लोन्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, प्रोविजन ऑफ टेक्निकल एडवाइस, मार्केट इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट सर्विसेज एक्सेट्रा जैसी और बहुत सारी सर्विसेज हैं जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करवाते हैं पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर को। हमने ऊपर पहले ही बात की कि पब्लिक अपने डिपॉजिट अकाउंट डेवलपमेंट बैंक्स के साथ नहीं खोल सकती, इसी पॉइंट की वजह से जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो डिफरेंट होते हैं कमर्शियल बैंक से। इंडिया में जो सबसे पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ था वो हुआ था 1948 में, जो था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। एट प्रेजेंट बहुत सारे डेवलपमेंट बैंक्स हैं जो इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं। डेवलपमेंट बैंक की डेफिनेशन बोले तो जो दी गई है अकॉर्डिंग टू विलियम डायमंड, अ डेवलपमेंट बैंक इज दैट बैंक विच गिव्स प्रायोरिटी टू डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स, या अकॉर्डिंग टू डॉक्टर देसाई डेवलपमेंट बैंक क्या है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंसर्न किस चीज से है, सभी टाइप्स की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को, किस फॉर्म में, लोन्स की फॉर्म में, अंडरराइटिंग की फॉर्म में, इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, या गारंटी ऑपरेशंस की फॉर्म में और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की फॉर्म में, ताकि जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसे एक्सेलरेट किया जा सके और फॉस्टर की जा सके ग्रोथ एंड कॉपरेशन को। तो इवेल्युएशन अगर हम बात करें, एवोल्यूशन अगर हम बात करें डेवलपमेंट बैंक्स का, इवेल्युएशन हम लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर में वहाँ देखेंगे। एवोल्यूशन की बात करें हम डेवलपमेंट बैंक्स का, तो जो इस्टेब्लिश्ड हुए डेवलपमेंट बैंक्स इंडिया में वो पोस्ट इंडिपेंडेंस हुए, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इस्टेब्लिश हुए। जो फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक था वो था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में। इसके बाद IFC इस्टेब्लिश होने के बाद
और इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुए, जैसे डेवलपमेंट बैंक स्टेट लेवल पे एस्टैब्लिश हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट 1951 में, ताकि स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हर स्टेट में एस्टैब्लिश की जा सके। फिर 1955 में इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे ICICI के नाम से आप जानते हैं, उसे एस्टैब्लिश किया गया वर्ल्ड बैंक के इनिशिएटिव से। देन ये मेनली एक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन था। देन 1964 में IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको एस्टैब्लिश किया गया। स्टेट लेवल पे स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस को एस्टैब्लिश किया गया 60s में मीडियम स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स को प्रमोट करने के लिए। IRBI जिसका नाम आगे चेंज करके IRCI हो गया था, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया 1971 में। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI को एस्टैब्लिश किया गया 1989 में, स्मॉल स्केल सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको कैटर करने के लिए। देन एग्रीकल्चर फाइनेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए NABARD को सेटअप किया गया जुलाई 1982 में। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड को फाइनेंसिंग की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाने के लिए एग्जिम बैंक को एस्टैब्लिश किया गया जनवरी 1982 में। देन नेशनल हाउसिंग बैंक को सेटअप किया गया 1988 में अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 फाइनेंस करने के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को। देन 2006 में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को सेटअप किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाने के लिए। देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स क्या है डेवलपमेंट बैंकिंग के। डेवलपमेंट बैंक का ऑब्जेक्टिव है टू सर्व एज एन एजेंट ऑफ डेवलपमेंट वेरियस सेक्टर्स में, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विसेज एंड इंटरनेशनल ट्रेड में। देन एक्सेलरेट करना इकोनॉमी की ग्रोथ को, प्रमोट करना इंडस्ट्रियलाइजेशन को, पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर को, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना एज वेल एज हायर प्रोडक्शन करना। देन डेवलप करना एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को, प्रमोट करना रूरल डेवलपमेंट को, फाइनेंस करना प्रोजेक्ट्स जो इम्पोर्टेंस रखते हैं इकोनॉमी के लिए, फाइनेंस करना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, फाइनेंस करना एक्सपोर्ट्स को, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना, प्रमोट करना बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट रिसर्च को। देन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स क्या है डेवलपमेंट बैंक्स के। सबसे पहला, जो डेवलपमेंट बैंक है वो सिर्फ एक लेंडिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो मल्टीपर्पज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। पैकेजेस ऑफ सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाता है अपने क्लाइंट्स को, जैसे इनोवेटिव आइडियाज़ देना उन्हें फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, इवेलुएशन करना ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स की, प्रिपेयर करना, इवेलुएट करना प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को, मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, प्रोविजन करना रिस्क कैपिटल का, टेक्निकल एडवाइस देना, मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना, जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज का पैकेज ऑफ सर्विसेज जो है वो डेवलपमेंट बैंक्स प्रोवाइड करवाते हैं। देन प्रमोट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, किस तरीके से प्रमोट करके इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, सर्विसेज, एक्सपोर्ट एसेट्रा को। देन रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी भी ये अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करवाते हैं। रीफाइनेंसिंग का क्या मतलब है कि सपोज कोई कमर्शियल बैंक है, उसने एग्रीकल्चर के लिए या उसने इंडस्ट्री को कोई लोन दिया है, तो जो कमर्शियल बैंक है जितना उसने लोन इंडस्ट्री को दिया है उतना ही लोन वो जो डेवलपमेंट बैंक है उसे ले सकता है, तो उसी चीज़ को हम रीफाइनेंसिंग कहते हैं। देन जो बैंक्स हैं वो डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करवाते हैं डाइवर्स एरियाज़ में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉरेन ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हाउसिंग डेवलपमेंट एक्सेट्रा। जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो एक विजनरी इंस्टीट्यूशन है, वो सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट से कंसर्न नहीं है, वो फ्यूचर को भी कंसिडर करता है, प्रोवाइड करवाता है फाइनेंस, गाइडेंस, एक्सपर्ट एडवाइस प्रोजेक्ट्स के लिए जो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, सोलर एनर्जी, विंड पावर एसेट्रा। ये जो बैंक्स हैं मेनली मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स जो बिजनेस यूनिट की है वो उनको पूरा करते हैं और लोन प्रोवाइड करवाते हैं प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, लेकिन एट प्रेजेंट ये स्मॉल टर्म के लिए भी फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं बिजनेस यूनिट्स को। देन ये फाइनेंशियल असिस्टेंस बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को प्रोवाइड करवाते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंस क्या है डेवलपमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक्स में. कमर्शियल बैंक्स जो करता है वो डायरेक्ट लेंडिंग करता है, मतलब जो फाइनल बॉरोअर है उसको डायरेक्टली लेंड करता है, लेकिन जो डेवलपमेंट बैंक्स है वो डायरेक्ट लेंडिंग और रीफाइनेंसिंग दोनों करते हैं. जो कमर्शियल बैंक्स है वो मेनली शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की जो लोन की रिक्वायरमेंट्स हैं इंडस्ट्री की उन्हें पूरा करता है, जबकि जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की रिक्वायरमेंट्स के लिए पूरा करते हैं. देन आपका सर्विसेज जो है डेवलपमेंट बैंक्स की वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और डाइवर्सिफाइड है एज कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक्स. देन आपका जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनकी जो अप्रोच रहती है लोन देते हुए दैट इज़ सिक्योरिटी ओरिएंटेड. वो फोकस इस पे करते हैं कि सिक्योरिटी कितनी ऑफर की जा रही है लोन्स के लिए, जबकि जो डेवलपमेंट बैंक्स की अप्रोच होती है वो होती है प्रोजेक्ट ओरिएंटेड, कि अगर प्रोजेक्ट अच्छा है फिजिबल है तो जो भी क्लाइंट ने लोन मांगा है वो उसको दे देते हैं. देन कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करवाता है लोन बोथ प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, जबकि जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं वो सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लोन प्रोवाइड करवाते हैं. नेक्स्ट इज जो पब्लिक है वो डिपॉजिट कर सकती है अपने अकाउंट कमर्शियल बैंक से, बट डेवलपमेंट बैंक्स पब्लिक के डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ नीड फॉर डेवलपमेंट बैंक्स और रोल ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.